हाँ तो भाई क्या हाल चाल है। पहले तो देख लो, वो सामने से गाड़ी निकाल रहा, अंकल की डिजायर खड़ी है और हम जा रहे हैं जामा मस्जिद। रमजान मुबारक हो और भाई साथ साथ नवरात्रे भी चल रहे हैं मेरे हिसाब, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि दुनियादारी से तो भी कटा हुआ हूँ थोड़ा ना, टीवी भी कम देख रहा हूँ। तो नवरात्रे को भी भाई शुभकामनाएं आप सभी को, और अभी चलते हैं कुछ खाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं जामा मस्जिद में। शुएब भाई और कोई नहीं है मेरे साथ ना आज। इस गाड़ी को चलाता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कसम से जैसे मैं अपनी गाड़ी नहीं चला रहा, किसी और की चला रहा हूँ। आदत छूट चुकी इसको चलाने की बिल्कुल ना। एक सेकंड, एक काम कर लूँ पहले ना। भाई शुएब और भाई यूसुफ। भाई यूसुफ शायद पहले नहीं आए मेरे ब्लॉग में कभी। आए हो भाई? नहीं भाई, पहली बार है। पहली बार हो? चलो ठीक है, चलते हैं कुछ खाते हैं पहले, आप लोगों को भी दिखाएंगे। हाँ तो भाई चल पड़े अपना गुलजार की तरफ कुछ खाने पीने, देखते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और ये देखो दोनों की दोस्ती, ओफ इनकी दोस्ती की मिसाल है वैसे, जो बात है हकीकत बता रहा हूँ मैं तुम लोगों से। अरे सामने बड़ा प्यारा सा ई रिक्शा और ये चिकन टिक्का बन रहा, देख रहे हो मुँह में पानी आ रहा मेरे देख के। रोज़ा रख के ऐसे ही होता भाई, जुबान फिसल गई, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। और देखो भाई मार्केट मतलब इस टाइम तो भीड़ मिलनी मिलनी है, हालांकि आज भीड़ बहुत कम थी, पर रमज़ान में आप जहाँ, अरे अंकल जी मान जाओ। हाँ तो ये देखो भाई सारी तमाम दुकानें हैं खाने पीने की, जब भी आओ तो किसी में भी घुस जाओ और जो दिल करे वो खाओ। भाई खाने की बात अगर मैं करूँ तो सबका ही खाना अच्छा है, पर मैं ज़्यादातर अलगुलजार पर ही जाता हूँ। अंदर एंटर हो चुके हैं भाई भाई शुएब, जो हाथ धोने के बहुत तकड़ी बीमारी है इन्हें, हाथ धोएंगे और हम चलते हैं ऊपर। हाँ तो भाई अंदर आए हैं, भाई शुएब कह रहे हैं मैं लेडीज में जाऊँगा। अरे ऐसे मत करो भाई शुएब, गुंजाओ एक काम दोनों और चेक करो अंदर कौन है, ठीक है? और मैं बैठ रहा हूँ जाके। चलते हैं भाई, हम तो बैठते हैं पहले और खाना मंगाते हैं, जो भी खाएंगे, ज़्यादा तो भूख है नहीं आज। मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भीड़ नहीं है यहाँ, पता है क्यों? क्योंकि रमज़ान चल रहा है भाई, लोग अपने घरों में ही खा पी रहे हैं, घर में ही ऐश ले रहे हैं। मैनेजर साहब आ रहे हैं सामने से ना, इन्होंने मुझे भी देखा नहीं क्योंकि फ़ोन मेरा एकदम मेरे मुँह पर रखा है, सबर नहीं हो रहा। प्याज ये प्याज है पता है कितने रुपए की थी इन लोगों ने, कितने की थी? 350 रुपए की। 350 रुपए की प्याज था भाई। शेफ खा के दिखाओ, चटनी नींबू सब है भाई। अगर यहाँ पे आना गुलजार पे तो सबसे मेन चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ खाओ ना खाओ ये खा लेना, चिकन मलाई टिक्का। इसके अलावा कढ़ाई चिकन आ रहा है और एक आइटम और मंगाई थी। कढ़ाई चिकन के अलावा क्या मंगाया भाई? मटन कबाब। हाँ मटन कबाब, बस तीन आइटम, क्योंकि हम घर से खाना खा के आ रखे हैं। ये खा के अपना तुम्हें फिर आगे इस एरिया को पूरा थोड़ा आगे तक दिखाएंगे, ठीक है ना? चलते हैं खा के यहाँ से। तो भाई अपने मेन्यू में ये है मटन कबाब। मटन कबाब मैं बताऊँ बहुत अच्छे थे, और मेन चीज़ जो मुझे पसंद है वो है ये है चिकन मलाई टिक्का, अगर जाओ तो ये ज़रूर खाना। और खमीरी रोटी और कढ़ाई चिकन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और ये है मटन रान, जो अगर आप 7-8 आदमी हो तभी मंगाना, नहीं तो बच जाएगी खामा खा। भाई खा पी के निकल गए, पियेंगे पहले चाय, और चाय पी के क्या लेना है यूसुफ भाई? खजूर। चाय पी के लेंगे बंद बंद, एंड में लेंगे खजूर, एंड में लेंगे खजूर। ठीक है। आ गए भाई अपनी चाय, इस बंदे ने चाय नहीं पी, इन वाले भाई ने पी हमारे चाय, और चाय पी के चलते हैं आगे। चाय भी हो गई, खाना भी खा लिया, सामने जामा मस्जिद है बड़ी खूबसूरत, और जा रहे हैं बैक साइड की तरफ जहाँ से हम आए थे। आगे से हम मुड़ेंगे लेफ्ट, भाई लेफ्ट मुड़ चुके हैं। लेफ्ट मुड़ते हुए महसूस हुआ भाई यहाँ भीड़ बहुत है, और लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं अलजवार, इसका खाना भी काफ़ी अच्छा है। और इससे आगे आपको पड़ेगा पुराना जो मशहूर करीम है, वो खाना भी यहाँ आपको मिलेगा, करीम का खाना। और ये शाही टुकड़े की दुकान कई सारे आपको मिलने वाली हैं, आप जैसे कि आप देख रहे हैं सामने शाही टुकड़ा लिखा है, और ये शहरी का सामान मिल रहा है, बंद रोटी वगैरह। और ये है मोहब्बत का शरबत, ये यहाँ बहुत चलता है, एक नफ़रत का भी मिलता है, हालांकि कल मुझे वो दिखानी। भाई शीर मान लिए हैं ना घर के लिए, ये वाला बढ़िया लग रहा है, पर आवर वाला तो ज़्यादा ओवर है, ये तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लग रहे हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स हैं 250 रुपये का, ये खाया ही नहीं जाएगा यार, ये तो इतना ठीक है। शीरमाल ले लिया, ये भाई देख रहे हो असलम, बहुत नाम है भाई इसका, चिकन टिक्का बहुत फेमस है असलम चिकन। ये नए वाला खुला है, आगे जाके पुराने वाला है, इसी रोड पर आपको मिलेगा वो। और बाकी ये मार्केट भाई बहुत भीड़ थी बहुत, मैं कह रहा हूँ जेब कतरों से सावधान रहे भाई, कहीं भी भीड़ में जाओगे दिल्ली में तो जेब बचा के चलना थोड़ा ना अपना, पता लगा कि अच्छे खासे घूम लिए आप, सारे पैसे निकल गए जेब में से। तो भाई यहाँ से हमने लिए बंद, पर दिखाते हैं बंद कौन से लिए, दिखाते हैं। ये काफ़ी टेस्टी होती है ये वाली ना, तुम आओ तो लेके जाना ये वाली, ये तो दूसरी चीज़ है ना, ये क्या है? ये दूध में भिगो
ब्रेड ही है एक तरीके की यार, बताइए इस आइटम खाक का मैं खाता हूँ भाई। आगे भाई अपना खजूर की दुकान में, यहाँ तो बोलना भी भारी है, इस वजह से वॉइस ओवर करी सारी वीडियोज ना। अब खजूर लेके और निकलेंगे यहाँ से, क्या ही बोले, पी 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 इतनी है यहाँ पे, फटाफट निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी में बैठेंगे और अपना घर पहुँचेंगे, रात के बज चुके हैं 12:30। कौन सी चूज करिए भाई? ये कलमी, कलमी ये वाली, दोनों कलमी मेरे हिसाब से ये बेस्ट क्वालिटी है, हाँ ये अच्छी है। लोगों ने गाड़ी ऐसे खड़ी कर दी है, उतारो कैसे, चल आगे जगह है। तुम्हारा भाई वहां से तो निकल गया और भाई चांदनी चौक ये देखो, ये नया बना था चांदनी चौक, यहाँ से फुल रास्ता वस्ता दिन में दिखाऊंगा कभी आगे ना। और लाल किले यार बंद कर रखा है, लाइट वाइट नहीं जल रही लाल किले की, पीछे भी रोड है। तो भाई यहाँ से हम लोग चलने लगे अपने घर की तरफ। ये लगा लो कि इतनी नींद में हो रहा था मैं कि मैं इस व्लॉग को एंड करना भूल गया और गाड़ी चलाता चलाता घर पहुँच गया और सो गया। तो भाई मैं अपना व्लॉग करता हूँ यहीं पे एंड। ये देख रहे हो पुराना पुल है लोहे वाला, और कुछ फोटोज़ दिखाता हूँ बड़ी प्यारी प्यारी जो मेरे फ़ोन में पड़ी थी जामा मस्जिद की। ठीक है भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक, आप लोगों से अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।